है ना मस्त क्रिस्पी एंड क्रंची मठरी। तो आइए बनाए मेरे साथ क्रिस्पी एंड क्रंची टेस्टी मठरी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आइए आज हम आपको मठरी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने ये एक प्याला मैदे का लिया, ऐसा ही आधा प्याला रवा लिया सूजी याने, ठीक है। उसमें 2 चम्मच हमने मिर्ची और लहसुन की चटनी डाली, स्वाद अनुसार नमक डाला और कस्तूरी मेथी के सूखी कस्तूरी मेथी 2 चम्मच डाले और हल्दी डाली छोटा आधा चम्मच, ठीक है। और इसमें मोइन से हमने इसको मोइन डाला और तिल और अजवाइन वो हमने 1 चम्मच डाला। उसको ना तिल और अजवाइन को आप भून कर इस्तेमाल करना तो इसका क्या टेस्ट भी अच्छा आएंगे और सुगंध भी अच्छी आएंगी। और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने जीरा लिया, ठीक है। अभी हम इसमें मोइन लिया, मोइन से हमने इससे आटा आप देख रहे हो ना इतना मोइन लेना है जैसे ये आटा ऐसे गूंथ जाए। चटनी भी ली थी हमने 2 चम्मच ये है ना हरी मिर्च और लहसुन की। अगर आप हरी मिर्च और लहसुन नहीं खाना खाते जाते आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। और काली मिर्च हमने 2 छोटे चम्मच काली मिर्च के डाले तो वो है ना हमने दरदरा सा कूट लिया, वैसे क्या वो पाउडर है ना तो फिर ये काला बनता, इसमें हमने पाउडर नहीं यूज किया, काली मिर्च का पाउडर आता नहीं, ये दरदरा हमने कूटा और वो इसमें डाला मिक्स किया तो इससे क्या टेस्ट भी अच्छा आएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी हम इसे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट तो ये हो ही गया है बन गया, लेकिन थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे जैसे ये इसका टाइट डो तैयार हो सके, ठीक है। मस्त क्रिस्पी मठरी रहती है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट मुलायम। आप ये चाय के साथ भी खा सकते हो, अचार चटनी के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत टेस्टी रहती है। मार्केट में मिलती है अलग अलग फ्लेवर की, अजवाइन फ्लेवर, लहसुन फ्लेवर, मसाला। आज हम आपको मस्त फ्लेवर बनाना सिखा रहे हैं, मिक्स फ्लेवर। चलिए अभी ये हमारा डो तैयार हो गया है, ठीक है। अभी हम इसकी लोइयां बनाएंगे छोटी छोटी। ऐसे करके हम इसकी लोइयां बना लेंगे, फिर हम इससे मठरी तलेंगे, बेलेंगे फिर तलेंगे। देखिए आप कैसे मस्त बनती है मठरी, टेस्टी एंड डिलीशियस। हमने ये सब बेल के तैयार करके रखी है, देख रहे हैं आप, ये हमने सब तैयार करके रख ली है। अभी हमने ना उधर कढ़ाई भी हमने गरम करके पैन रख लिया है, उसमें हमने स्लो गैस पे फिर हम ये इसको डीप फ्राई करेंगे स्लो पे। अब है ना इसके ऊपर, अब है ना हम इनके ऊपर ये मैदा ऐसे छिड़क देंगे। मैदा से क्या है ये थोड़ा बाहर की इसकी जो सतह है ना वो कड़क और क्रिस्पी बनेगी, और जैसे इसमें अंदर मोड़ जाए इसके लिए हम इसे शेड करेंगे। आप कुकी कटर से भी इसे काट सकते हो, मैंने इसे बड़ा बेल के कुकी कटर से काटा, नहीं तो आप ग्लास या कटोरी का भी ऐसा करना रहता ना वो भी इसके ऊपर डाल के इसको काट सकते हो। तो ये क्या मार्केट में मिलने वाली एक सरी की होंगी ना राउंड, ठीक है। अभी हम सबको ऐसे मैदा सरक देंगे ऊपर से और थोड़ा संभाल के हल्के हाथ से लेना क्योंकि हमने इसमें ऑयल ज्यादा लिया था ना, ऑयल हमने इसीलिए ज्यादा लिया क्योंकि ये क्रिस्पी बने, समझे, यानी बाहर से क्रिस्पी अंदर से मस्त सॉफ्ट मुलायम खाने में मजेदार। बगैर आजकल के जमाने में किसी को दांत नहीं है खाने के लिए, ऐसे तो खाने के लिए सबको है दांत, लेकिन क्या
हमारे बड़े बुजुर्ग भी खा सके, बच्चे भी खा सके और अच्छा भी लगे ना। ठीक है, इसमें ना पूरा हम आटे ऐसा आटा छिड़क देंगे। हमारा अभी ऑयल भी गर्म हो गया है, अभी हम चलेंगे डीप फ्राई करने इनको। ये हमारा ऑयल भी गर्म करने को रखा था ना, ये हल्का गर्म हो गया है। स्लो गैस पे आपको गर्म करना है और मीडियम टू स्लो में आपको ये फ्राई करनी है। ये हमने अभी इसमें चार मठरियां तलने के लिए डाली है। ठीक है, स्लो गैस है, मीडियम टू स्लो पे आपको इसे पकाना है। ठीक है, स्लो गैस पे ही आप देख रहे हो अभी इनका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन हमें इनने और रखना है और इसका क्रिस्पी कलर, गोल्डनेस कलर हमें लाना है। इसके लिए हम इसे और डीप फ्राई करेंगे, तेल में थोड़ी देर और रखेंगे, लेकिन गैस की आंच ना वो मीडियम टू स्लो ही होनी चाहिए, इसे ज्यादा मत करना, नहीं तो क्या है ये बाहर से ऐसे गोल्डन हो जाएंगी, जल जाएंगी और अंदर से वो कच्ची लगेंगी, ऐसे नहीं करना है। हमें डीप फ्राई करना है, अंदर से भी उसको फ्राई करना है। अभी ये गोल्डन कलर हो गई है, अभी हम इसको निकालेंगे। अभी हम जब तक के अभी हम इसे गोल्डन कलर करेंगे, इसके हम तलेंगे। अभी हमारे ये लास्ट भी तलने के लिए बेंच, लास्ट बेंच भी हमारी तलने के लिए तैयार है। ये ऑलमोस्ट गोल्डन रंग की सुनहरी हो गई है, ये भी हमारी तल गई है। ठीक है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। आप ये चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसमें क्योंकि मेथी भी बनी है तो मेथी क्या, अभी सर्दी का मौसम है, बारिश और ये सर्दी का मौसम है ना, कहाँ कहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है, कहाँ बहुत गर्मी भी है, तो मेथी खाने के लिए उपयोगी है और अच्छी भी है सेहत के लिए भी। तिल भी पड़ा हुआ है इसमें, इसमें जान भी पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छी है खाने में भी, क्रिस्पी मस्त है। ठीक है, अभी हम इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। तैयार है सर्व करने के लिए, है ना मस्त टेस्टी। ये ना आप चाय के साथ भी खाएंगे, ऐसे भी टी टाइम में खाइए, ऐसे खाइए, जब आपकी मर्जी लगे, छोटी मोटी भूख लगे, ये आप बना के खाइए खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। देखिए काले मिर्च मैंने डाले थे आधे कूटे, वो कितने अच्छे लग रहे है ना, मस्त। और इतनी सुगंध इतनी आ रही है, मैं आपको क्या बनाऊं, आप खुद बनाओगे ना तो आपको खुद पता चलेगा इसकी टेस्ट, इसकी सुगंध कितनी मस्त है। ठीक है, चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्त फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ, ताकि वो भी तो आपको बना के खिलाए ना इतनी मस्त टेस्टी मठरी। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे बारिश हो रही है तो आपको थोड़ा नेटवर्क के इश्यू के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हुई होंगी, सॉरी, लेकिन थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।